नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जय हो अकेडमी चैनल में। आगामी मध्य प्रदेश राज्य प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज से जय हो अकेडमी चैनल पर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो सीरीज स्टार्ट हो रही है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी MPGK का महत्व मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक होता है, चाहे MPPSC एग्ज़ाम हो या MPSI, MP पुलिस, MP पटवारी या अदर PEB एग्ज़ाम हो। इन सभी परीक्षाओं के लिए MPGK का महत्व बहुत अधिक होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी राज्य की प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए उस राज्य की सामान्य जानकारी होना ही चाहिए, क्योंकि राज्य सामान्य ज्ञान से राज्य की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में लगभग 20-25% प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने MPGK वीडियो सीरीज को शुरू किया है, ताकि आपको मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद मिल सके। तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान वीडियो सीरीज को हम 11 पार्ट्स में बांटकर पढ़ेंगे और प्रत्येक पार्ट से संबंधित एक एक करके कई क्लासेस लाई जाएंगे। इन 11 पार्ट्स में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित सभी टॉपिक को मेरे द्वारा कवर किया जाएगा। तो 11 पार्ट्स में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को मेरे द्वारा पूरी तरह से कवर किया जाएगा और प्रत्येक पार्ट से संबंधित एक एक करके कई क्लासेस मेरे द्वारा लाई जाएंगी। तो चलिए जानते हैं वह 11 पार्ट्स कौन कौन से हैं जिसमें मैंने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को बांटा है। पहला पार्ट है मध्य प्रदेश सामान्य परिचय और मध्य प्रदेश का गठन। इस पार्ट से संबंधित जितनी भी क्लासेस संभव हो सकेंगी मेरे द्वारा लाई जाएंगी और इसको पूरी तरह से कवर किया जाएगा। दूसरा पार्ट है मध्य प्रदेश इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, साहित्य व संस्कृति, मध्य प्रदेश संभाग व जिले, खेल, मध्य प्रदेश करेंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश विविध, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान संबंधित टेस्ट सीरीज। इन सभी 11 पार्ट्स में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को पूरी तरह से कवर करेंगे और प्रत्येक पार्ट से संबंधित कई क्लासेस एक एक करके मेरे द्वारा लाई जाएंगी। प्रत्येक पार्ट्स को जितनी भी क्लासेस हो सकेंगी उसमें कवर करेंगे। तो आज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित क्लास 1 में हम मध्य प्रदेश राज्य एक सामान्य परिचय को पढ़ेंगे। इस क्लास में हम मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को एक एक करके जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महत्वपूर्ण तथ्यों में पहला है कि राज्य का मुख्य नाम क्या है। तो राज्य का मुख्य नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नाम से ही इस राज्य को जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मुख्य नाम है मध्य प्रदेश। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत में राज्य की मध्यवर्ती स्थिति को देखते हुए इसे मध्य प्रदेश नाम दिया था। मध्य प्रदेश जो कि भारत के मध्य में स्थित है, इसी स्थिति को देखते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इसको नाम दिया था मध्य प्रदेश। आज़ादी से पूर्व यानी ब्रिटिश शासनकाल में, औपनिवेशिक काल में इसे सेंट्रल इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। तो आपको पता होना चाहिए कि इसे पहले सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था और इसको जो नाम दिया है मध्य प्रदेश, वह भारत के पहले प्रधानमंत्री ने दिया है और यह भारत में मध्य में स्थित होने के कारण। इसको कुछ और अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे नदियों का मायका, सोया स्टेट, मध्य भारत, लघु भारत और हृदय प्रदेश। तो इसको नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में सबसे अधिक नदियाँ इसी प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है नदियों का मायका। साथ ही इसको सोया स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन इसी राज्य में होता है। और इसको हृदय प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए इसको भारत का हृदय माना जाता है, इसलिए इसको हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आप भारत के मैप में देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश बिल्कुल भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए इसका नाम पड़ा है मध्य प्रदेश। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये मध्य प्रदेश का मैप है। आप देख सकते हैं किस प्रकार मध्य प्रदेश का जो नक्शा है वह कैसा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पॉइंट है भोपाल, यह मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, इसका आपको पता होना चाहिए। अगला तथ्य है राजधानी। तो मैं बता चुका हूँ आपको कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल।
अगला है राज्य स्थापना दिवस। तो राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 के दिन मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। इसी उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। अगला है भौगोलिक स्थिति, राज्य की भौगोलिक स्थिति। तो मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य यानी जो पूरी तरह से भूमि से घिरा हो, जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ना ही समुद्री सीमा को छूता हो। भू आवेष्टित राज्य को इंग्लिश में लैंड लॉक्ड स्टेट भी कहा जाता है। आप भारत के नक्शे में देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है, ना ही किसी समुद्री सीमा को छूता है। यह पूरी तरह से भूमि से घिरा है, इसलिए इसको कहा जाता है लैंड लॉक्ड स्टेट या भू आवेष्टित राज्य। इसका आपको पता होना चाहिए कि भू आवेष्टित राज्य किस राज्य को कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य या पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ राज्य। भारत की तरह मध्य प्रदेश भी ग्लोब में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, इस बात को आपको याद रखना है कि भारत की तरह मध्य प्रदेश भी ग्लोब में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। जब आप ग्लोब में देखेंगे तो भारत को इस जगह पाएंगे, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत के अवस्थित होने के कारण ही मध्य प्रदेश को भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित माना जाता है, इस बात को आपको याद रखना है कि भारत की तरह मध्य प्रदेश भी ग्लोब में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अगर हम मध्य प्रदेश की अक्षांश और देशांतर स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अगर इसकी अक्षांश और देशांतर स्थिति को हम मैप में देखेंगे तो समझेंगे कि इसके उत्तर में, इसके यहाँ उत्तर से गुजरी है 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इसके दक्षिण से गुजरी है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। साथ ही इसके पश्चिम से गुजरी है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर, और इसके पूरब से गुजरी है 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। तो आपको मैप में समझ में आ गया होगा इसकी अक्षांश और देशांतर स्थिति। राज्य की भौगोलिक स्थिति में अगला है कि कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा को कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो कर्क रेखा राज्य के मध्य से होकर गुजरती है। आप मैप में देख सकते हैं कि जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह प्रदेश के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। यह जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यह प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है, और यह मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 14 जिलों में से होकर गुजरती है। आपको इसका पता होना चाहिए कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों में से होकर गुजरती है, और यह मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है। और जो कर्क रेखा है उसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इस प्रकार हमने जाना मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। अब हम अगले महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। अगला है राज्य का क्षेत्रफल। तो मध्य प्रदेश राज्य का जो क्षेत्रफल है वह है 308,252 वर्ग किलोमीटर, इसका आपको याद रखना है। लेकिन अमरकंटक की किरार घाटी विवाद के कारण कुछ जगह राज्य का क्षेत्रफल 308,245 वर्ग किलोमीटर भी देखने को मिलता है। किरार घाटी जो कि अमरकंटक में स्थित है, इसका विवाद रहता है छत्तीसगढ़ के साथ, इसलिए इसका क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कुछ जगह 308,245 वर्ग किलोमीटर देखने को भी मिलता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, और जो पहला राज्य है वह राजस्थान। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल में पहला सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38
38% है। और भारत का अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला है राज्य का विस्तार। तो पूरब से पश्चिम की ओर राज्य का विस्तार है 870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर राज्य का विस्तार है 605 किलोमीटर। इसको हम मैप में देखते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, इसका पूर्व से पश्चिम की ओर 870 किलोमीटर विस्तार है और उत्तर से दक्षिण की ओर 605 किलोमीटर विस्तार है। तो राज्य का विस्तार आपको पता होना चाहिए कि पूर्व से पश्चिम की ओर 870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर 605 किलोमीटर है इसका विस्तार। अगला है राज्य की सीमा से लगे राज्यों की संख्या। तो राज्य की सीमा से 5 राज्यों की सीमा लगती है। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की सीमा से 5 राज्यों की सीमा लगती है। वह 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात व राजस्थान। तो मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र की सीमा लगती है, पूर्व में छत्तीसगढ़ की और पश्चिम में गुजरात व राजस्थान की। इसको मैप में अगर देखें तो मध्य प्रदेश के उत्तर में आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में आपको मिलेगा गुजरात और राजस्थान। तो 2 राज्य हैं पश्चिम में और 1-1 राज्य है उत्तर, पूर्व और दक्षिण में। तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में महाराष्ट्र और आपको पश्चिम में मिलेंगे गुजरात और राजस्थान। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की सीमा से 5 राज्यों की सीमा लगती है। अगला है मध्य प्रदेश की राजभाषा। तो मध्य प्रदेश की जो राजभाषा है वह हिंदी है। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की राजभाषा, हर राज्य की अपनी एक भाषा होती है, तो मध्य प्रदेश की जो राजभाषा है वह हिंदी है। अगला है राजकीय पुष्प। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है। तो सफ़ेद लिली नाम का पुष्प मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। आपसे सीधे सीधे फैक्ट में पूछ लिया जाएगा क्योंकि मध्य प्रदेश अधिकतर फैक्ट ही पूछता है। तो इसलिए मैं यहाँ जो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हम पढ़ रहे हैं इसमें मैंने कुछ ऐसे ही बिंदु रखे हैं जो आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए। अगर आप MPGK की तैयारी कर रहे हैं, MPGK पढ़ रहे हैं, तो आपको मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ जानकारी होती हैं उनका पता होना ही चाहिए। मैंने वही जानकारी इसमें समेटने की कोशिश की है। तो अगला है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली। तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली जो है उसका नाम है महासीर। मछली की एक प्रजाति है महासीर, वह मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। अगला है राजकीय नदी। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है क्योंकि यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और इसको मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की राजकीय नदी घोषित किया गया है। अगला है राजकीय फसल। जो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है वह सोयाबीन है क्योंकि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है भारत में। तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन, इसका आपको पता होना चाहिए। अगला है राजकीय खेल। तो मध्य प्रदेश का राजकीय जो खेल है वह है मलखम और यह खेल 2013 में घोषित किया गया था मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। अगला है राजकीय नृत्य। तो यह है राई नेत्र जिसको कहा जाता है डांस। तो मध्य प्रदेश का स्टेट डांस जो है वह राई है। और अगला है राजकीय नाट्य। नाट्य जिसको हम कहते हैं थिएटर, तो वह है माचा। तो आपको डांस और थिएटर भी पता होना चाहिए। तो डांस है राई और थिएटर है माचा। अगला है मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। जो मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले हैं उनमें सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में छिंदवाड़ा, जिसका क्षेत्रफल है 11,815 वर्ग किलोमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा और सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में निवाड़ी, जो हाल ही में टीकमगढ़ से नया जिला बनाया गया है मध्य प्रदेश का 52वां जिला, यह क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि निवाड़ी जिले का क्षेत्रफल कितना है। आप लोग जरूर
कमेंट करके बताएं कि निवाड़ी जो जिला बना है मध्य प्रदेश का, उसका क्षेत्रफल कितना है, जो कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है मध्य प्रदेश का। अगला है राज्य का आदर्श वाक्य। तो मध्य प्रदेश का जो आदर्श वाक्य है वह है सत्यमेव जयते। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। अगला है राजकीय चिन्ह। तो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त है, जिसमें अशोक चिन्ह, बरगद का पेड़ तथा गेहूं व धान की बालियां हैं। आप गूगल में देख सकते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। मैं आपको यहाँ कुछ ड्रॉ करके बता रहा हूँ। इस प्रकार का एक वृत्त है स्तूप के अंदर, यहाँ 24 स्तूप हैं और यहाँ अशोक चिन्ह है, अशोक चिन्ह है और यहीं पे बरगद का पेड़ है मध्य में, और यहाँ गेहूं और धान की बालियां हैं और यहाँ लिखा है सत्यमेव जयते। मैंने यहाँ ड्रॉ करके आपको समझाया, बस है आप गूगल करके देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह कैसा है। तो राजकीय चिन्ह में 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त है, जिसमें अशोक चिन्ह, बरगद का पेड़ तथा गेहूं व धान की बालियां हैं और उसमें लिखा है सत्यमेव जयते और मध्य प्रदेश शासन। अगला है राजकीय पशु। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह बारहसिंगा है, जो कि बैडरी प्रजाति का है। बारहसिंगा में एक प्रजाति होती है बैडरी प्रजाति, वह मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। अगला है राजकीय पक्षी। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज, जिसको साहे बुलबुल भी कहा जाता है। दूधराज का वैज्ञानिक नाम जो है वह है पैराडाइज फ्लाई केचर। मध्य प्रदेश प्री एग्जाम MPPSC प्री एग्जाम 2018 में पूछ लिया गया था कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो उसमें ऑप्शन में था इसका वैज्ञानिक नाम। तो आपको पता होना चाहिए इसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाई केचर। अगला है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद, जिसको हम बट वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बरगद को ही हम बट वृक्ष के नाम से जानते हैं और यह मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। राजकीय पशु पक्षी वृक्ष 1 नवंबर 1981 को राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर घोषित किए गए थे। आपको पता होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षु है पक्षी है दूधराज, और जो राजकीय पशु है बारहसिंगा, और राजकीय वृक्ष बरगद, यह 1 नवंबर 1981 को राज्य की 25वीं स्थापना दिवस पर घोषित किए गए थे। क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, इसलिए 1 नवंबर 1981 यानी 25 वर्ष पूरे होने पर यह घोषित किए गए थे। अगला है राजकीय गान। मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है वह है सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का असर, मेरा मध्य प्रदेश है। इस गान को लिखा है महेश श्रीवास्तव ने और इसको आवाज़ दी है गायक शान ने। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है और इसे यह किसने लिखा है, साथ ही इसको आवाज़ किसने दी है। तो इसको लिखा है महेश श्रीवास्तव ने और इसको आवाज़ दी है जो गायक हैं शान ने। अगला है मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, इसका आपको पता होना चाहिए। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं और मध्य प्रदेश में वर्तमान में 52 जिले हैं। हाल ही में निवाड़ी को 52वां जिला बनाया गया है टीकमगढ़ से अलग करके। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग हैं और 52 टोटल जिले हैं, हाल ही में निवाड़ी जिला बनाया गया है। अगला है विधानसभा सीटें। तो मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें हैं 231। अगर कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 231 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 230 जो सीटें हैं वह निर्वाचित सदस्यों द्वारा भरी जाती हैं और एक सीट राज्यपाल द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य द्वारा भरी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा सीटें जो हैं वह हैं 231, जिसमें 230 सीटें निर्वाचित सदस्य द्वारा भरी जाती हैं और एक जो सीट है विधानसभा की वह राज्यपाल द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य द्वारा भरी जाती है। तो मध्य प्रदेश एक सदनात्मक विधानमंडल है। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में एक ही सदन है विधानसभा,
यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, इसलिए जो विधानमंडल है मध्य प्रदेश का वह एक सदनात्मक है, यानी यहाँ पे एक ही सदन है जिसका नाम है विधानसभा, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, इसका आपको याद रखना है। अगला है मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें, तो मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वह हैं 29 सीटें, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की टोटल 29 सीटें हैं, और राज्यसभा की जो सीटें हैं वह 11, तो यानी संसद में मध्य प्रदेश से टोटल 40 सदस्य चुने जाते हैं, 29 प्लस 11 यानी 40, तो भारतीय संसद में मध्य प्रदेश से 40 सदस्य चुने जाते हैं, इसका आपको याद रखना है, 29 सदस्य लोकसभा में और 11 सदस्य राज्यसभा में। अगला है एससी के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें, जो मध्य प्रदेश में टोटल जो निर्वाचित सीटें हैं विधानसभा की 230, उसमें एससी के लिए जो आरक्षित विधानसभा सीटें हैं वह हैं 35, इसका आपको याद होना चाहिए, तो 230 में से निर्वाचित सीटों में से 35 हैं एससी के लिए और एसटी के लिए हैं 47, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो 230 निर्वाचित सीटें हैं विधानसभा की उनमें से 35 सीटें आरक्षित हैं एससी के लिए और 47 सीटें आरक्षित हैं एसटी के लिए, और एससी के लिए जो लोकसभा में जो आरक्षित सीटें हैं मध्य प्रदेश में वह हैं 4, और जो यह लोकसभा की जो एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं वह हैं भिंड, उज्जैन, देवास और टीकमगढ़, तो एससी के लिए मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए आरक्षित सीटें हैं 4, और जो यह 4 सीटें हैं वह हैं भिंड, उज्जैन, टीकमगढ़ और देवास, और एसटी के लिए लोकसभा में मध्य प्रदेश से आरक्षित जो सीटें हैं वह हैं 6, और जो यह 6 सीटें हैं वह हैं धार, रतलाम, खरगोन, बैतूल, मंडला और शहडोल, तो आपको याद रखना है कि एससी के लिए विधानसभा में आरक्षित सीटें हैं 35 और एसटी के लिए विधानसभा में आरक्षित सीटें हैं 47 तथा एससी के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटें हैं 4 एवं एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटें हैं 6 मध्य प्रदेश से, इसका आपको पता होना चाहिए। अगला है राज्य उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ, जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है वह जबलपुर में स्थित है, आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो मुख्यपीठ है वह जबलपुर में स्थित है, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो अन्य दो खंडपीठ हैं वह ग्वालियर और इंदौर जिले में स्थित हैं, तो इसकी मुख्यपीठ है जबलपुर में और इसकी जो अन्य खंडपीठ हैं दो वह ग्वालियर और इंदौर में स्थित हैं। मध्य प्रदेश की जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वह हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जो मध्य प्रदेश की वर्तमान जो राज्यपाल हैं उनका नाम है श्रीमती आनंदीबेन पटेल, और मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति संजय कुमार सेठ, तो संजय कुमार सेठ, न्यायमूर्ति संजय कुमार सेठ मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और श्रीमती आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश में राज्यपाल हैं, और वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वह श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, तो आपको पता होना चाहिए राज्यपाल कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं जिनका नाम है बसंत प्रताप सिंह, तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का नाम है बसंत प्रताप सिंह, और मध्य प्रदेश के जो लोकायुक्त हैं उनका नाम है नरेश कुमार गुप्ता, तो इन सभी व्यक्तियों के आपको नाम पता होना चाहिए क्योंकि यह मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति हैं, तो इनका आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में कौन किस पद पर है, तो राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश हैं संजय कुमार सेठ, मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्य सचिव हैं बसंत प्रताप सिंह और लोकायुक्त हैं नरेश कुमार गुप्ता। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित हमारी क्लास 1 समाप्त होती है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय जाना, तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से हमें एक ऊर्जा मिलती है और हम एक नई ऊर्जा के साथ आपके लिए डेली नए नए वीडियो लाते रहते हैं। जो भी साथी हमारे चैनल पर नया है, अगर उसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारी जो अदर क्लासेस हैं एमपीजीके से संबंधित वह आपको प्राप्त हो सकें। साथ ही आपको बता दें
कि मिशन एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 को देखते हुए हमारे चैनल पर डेली लाइव टेस्ट सीरीज भी लाई जाती है आकाश सर द्वारा, जिसका समय है डेली समय है इसका 10 बजे। तो 10 बजे लाइव डेली लाइव टेस्ट सीरीज भी लाई जाती है। इसके अलावा जल्द ही एमपीजीके से संबंधित जो अदर टॉपिक हैं वह कंप्लीट कराए जाएंगे। इसके बाद मेरे द्वारा आपको स्पोर्ट जीके भी कराया जाएगा, जो कि एमपीपीएससी 2019 में आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।